काफी कुछ तो पता लग जाता है ना, कंप्लेंट क्या आई ये तो आपको बतानी पड़ेगी। कंप्लेंट पर कंप्लेंट पर आपने एक्शन क्या लिया या नहीं लिया ये भी बताना पड़ेगा, वो सब भी हटा दिया। सर एक चीज और, आपने 2014 के बिल में कहा कि चाहे मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो सीधे जांच के दायरे में आ जाएगा, लेकिन इसमें आपने बोला है कि सीधे जांच के दायरे नहीं, इसमें भी आ जाएगा। देखिए इसमें ये लिख दिया है कि दिल्ली में जो भ्रष्टाचार हो रहा हो वो जांच के दायरे में आ जाए। अगर मुख्यमंत्री भी दिल्ली में भ्रष्टाचार करता है या प्रधानमंत्री करता है वो सब जांच के दायरे में आ जाएगा, लेकिन अगर मुख्यमंत्री नोएडा में जाके भ्रष्टाचार करता है तब वो नहीं आएगा। जी, एक सवाल ये है कि लोकपाल कौन बन सकता है, कौन व्यक्ति, ये दोनों बिलों में समान योग्यता या उसमें भी फर्क कर दिया गया? योग्यता वाला अभी जो इन्होंने बोला है, देखिए तो चेंज तो करीब करीब सारी चीजों में किया, इसीलिए 10.5 महीने लगे। अगर उनको 2014 के आधार पर लाना था तब तो दो दिन से ज्यादा जरूरत नहीं थी। इसमें हाँ उसमें भी थोड़ा चेंज कर दिया गया है। देखिए पहले ये था क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशंस भी बहुत सारे थे। पहले क्वालिफिकेशन ये था, चेयरपर्सन शैल बी हु हैज बीन अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और अ जज ऑफ द हाई कोर्ट और इज अ पर्सन ऑफ इम्पेकेबल इंटेग्रिटी एंड एमिनेंस हैविंग एक्सटेंसिव आउटस्टैंडिंग नॉलेज ऑफ लॉ। अब इन्होंने ये कर दिया है, हु हैज बीन अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और अ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और अ जज ऑफ ए हाई कोर्ट, सिर्फ जजों को रखा है। फिर उसमें यह था सिक्स अदर मेंबर्स। अच्छा हाँ, एक और फर्क था कि उसमें 7 मेंबर का लोकपाल था 2014 में, अब उन्होंने 3 का कर दिया है, उसमें 7 का था, लोकपाल प्लस 2, अब 3 लोग होंगे, लोकपाल प्लस 2 लोग होंगे, अब 3 है, अब लोकपाल पहले लोकपाल प्लस 6 था, 6 अदर पर्सन मेंबर्स ग्रुप नंबर में भी इंक्रीज अप टू 10 as per need and requirements, who shall be persons of impeccable integrity, eminence and outstanding ability, out of which 1/3 of the members shall be persons having extensive knowledge of law and the remaining members shall be persons having experience of not less than 20 years in matters of vigilance or investigation or investigative journalism or public administration or finance sector including insurance, banking, or shall be retired senior officers. अब तो बहुत छोटा सा कर दिया, अब तो बस ये कर दिया है, इज अ पर्सन ऑफ एमिनेंस हैविंग डिस्टिंक्शन स्पेशल नॉलेज एक्सपर्टीज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस और इन्वेस्टिगेशन। ये वही ले लिया है जो सीबीसी में एक्ट में है। दूसरा हम लोगों ने उसमें ये किया था कि उसमें नॉट लेस देन 50% ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लोकपाल शैल बी फ्रॉम अमंग शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स अदर बैकवर्ड क्लासेस माइनॉरिटीज एंड वुमेन, आधे कम से कम इन कैटेगरीज में होने होंगे, या तो महिला हो या शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब अदर ओबीसी या माइनॉरिटीज का, वो भी हटा दिया। सारे बहुत सारे चेंजेस हैं।